प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है, उसमें हम लोग किन किन कर्व के बारे में स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो आइए ज़रा हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कोनिक सेक्शन बेसिकली होता क्या है, है ना। आइए देखें, तो मैं शुरुआत करता हूँ स्टूडेंट कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन की वो ये है कि बेसिकली जो कोनिक सेक्शन है वो एक लोकस होता है। कोनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एस एंड अ लाइन राइट, दिस इज अ लाइन एंड अ लाइन यस एंड सपोज दैट स्टूडेंट्स ये है एम, है ना, परपेंडिकुलर है। तो कोनिक सेक्शन वास्तव में क्या होता है, कोनिक सेक्शन पॉइंट पी का लोकस होता है। और ये लोकस इस तरह से होता है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग पी एस अपॉन पी एम निकालेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इट मींस दैट कि अगर कोई लोग अगर हम लोग कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वास्तव में वो एक बिंदु पथ है। बिंदु पथ, अब आपको ये पता है कि व्हाट इज बिंदु पथ या लोकस क्या होता है, वो एक पॉइंट से बना हुआ जो भी कर्व होता है उसको हम लोग लोकस कहते हैं। लेकिन कोई भी पॉइंट जब मूव करता है तो वो किसी ना किसी नियम का पालन करते हुए मूव करता है या गति करता है, तो उससे बनने वाली आकृति को ही हम लोग लोकस या बिंदु पथ कहते हैं। अब अगर उस बिंदु पथ या उस बिंदु की गति में हम कुछ नियम डाल दें, कैसा, कि उस बिंदु की एक फिक्स्ड पॉइंट यानी एक निश्चित बिंदु S से जो दूरी है वो और उसी बिंदु की एक रेखा से जो दूरी है वो, इन दोनों का जो अनुपात है या रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। आई रिपीट स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। क्या, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है एस बच्चों, इसको कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है इसको कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं फोकस और इसे बोलते हैं नियता, डायरेक्ट्रिक्स हिंदी में इसको नियता कहते हैं इसको, ठीक। फिर ये तो हो गया बिंदु, और ये जो लाइन होती है जिस लाइन पर ये पॉइंट एस होता है और ये लाइन इस नियता या डायरेक्ट्रिक्स को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, ठीक, यानी कि अक्ष, कोनिक सेक्शन की अक्ष, ठीक है ना। तो ये तीन बिंदु हम लोगों को यहां से पता पड़े स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कोनिक सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और क्या देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशो होता है पी एस अपॉन पी एम यानी कि उस बिंदु, ये P से जो आकृति बनेगी वो है कोनिक सेक्शन। इस बिंदु P की इस फिक्स्ड पॉइंट यानी कि एक स्थिर बिंदु S से दूरी और P की एक रेखा से जो दूरी है इनका अनुपात कांस्टेंट रहता है, तो हम उस बिंदु पथ को शंकु परिच्छेद कहते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर PS अपॉन PM, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1, तो इस बिंदु P से जो आकृति बनेगी उसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला, हिंदी में कहते हैं परवल है, हिंदी में कहते हैं परवल है, राइट, परवल है, राइट। अगर PM, सॉरी PS अपॉन PM
इज लेस देन वन, यानी इसका मान एक से छोटा हो, तो इस बिंदु P से जो आकृति बनेगी वो होगी इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स मतलब बच्चों दीर्घवृत्त, ठीक है ना। और अगर PS अपॉन PM की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी आए, एक से बड़ी आए, तो इस बिंदु P से जो आकृति बनेगी उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोला, हाइपरबोला यानी कि दीर्घवृत्त। स्टूडेंट्स, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, राइट, दीर्घवृत्त कहते हैं। और ये जो अनुपात होता है PS अपॉन PM का, इस अनुपात को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसको डिनोट करते हैं E से, यानी ये PM अपॉन PS, सॉरी PS अपॉन PM अनुपात जो होता है उसको E से व्यक्त किया जाता है पूरे के पूरे कॉनिक सेक्शन में, है ना। PS अपॉन PM इज ऑलवेज डिनोटेड बाय E, और इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूं। इट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको उत्केंद्रता, जहां तक मुझे लग रहा है उत्केंद्रता, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा, ठीक है ना, क्या कि शंकु परिच्छेद एक बिंदुपथ होता है, और वो बिंदुपथ इस तरह से होता है कि उसकी एक बिंदु S और एक रेखा से जो दूरियों का अनुपात है वो हमेशा निश्चित होता है, और इन दूरियों के अनुपात से ही डिसाइड होता है कि जो शंकु परिच्छेद बनने वाला है वो क्या होगा, परवलय होगा, अति परवलय होगा, या दीर्घवृत्त होगा, यानी कि पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, या फिर इलिप्स होगा, ये उससे डिसाइड होता है। हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी समझा, इसे अपने दिमाग में बैठाते जाइएगा। क्या कि जो बिंदु फिक्स बिंदु होता है उसे कहते हैं फोकस, जो फिक्स लाइन होती है उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जिस लाइन पर फोकस होता है और वो डायरेक्ट्रिक्स की डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं एक्सेस ऑफ कॉनिक सेक्शन, और PS अपॉन PM जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, उसे कहते हैं E, ठीक, डिनोट करते हैं E से, और उसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी या फिर उत्केंद्रता। जब इस E का मान एक के बराबर होता है तो शंकु परिच्छेद परवलय होता है, जब इस E का मान एक से छोटा आएगा तो वो इलिप्स होगा, और जब इस E का मान एक से बड़ा आएगा तो उस शंकु परिच्छेद को क्या कहेंगे, अति परवलय कहेंगे। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग बढ़ रहे हैं पैराबोला की ओर। तो अब हम लोग पैराबोला में स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उसको समझेंगे, उसमें जो जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो जो फॉर्मूले हैं उनको समझेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके इस टॉपिक को समझेंगे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं पैराबोला पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग पैराबोला के ऊपर बात करते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जब E की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो कॉनिक सेक्शन को पैराबोला या परवलय कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक। अब नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, समझिएगा इस चीज को। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है ना। और इसको हम लोग बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला भी कहते हैं, ठीक, राइट हैंडेड पैराबोला। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इज कॉल्ड द राइट हैंडेड पैराबोला, और इसकी जो आकृति होती है स्टूडेंट्स उसको जरा समझने की आप कोशिश करिएगा, ठीक। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, और ये एक ऐसा पैराबोला है स्टूडेंट्स जिसमें जो फोकस होता है उस फोकस की इस बिंदु, इस मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो होती है A, और फोकस का जो जिसे हम लोग कहें कि फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है A, 0। जितना दूरी इस मूल बिंदु की फोकस से होती है उतनी ही दूरी पर नेगेटिव डायरेक्शन में एक लाइन होती है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अभी हम लोगों ने समझा भी था, नियता,
डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, नियता, और नियता इस एक्स एक्सिस को जहां पर काटती है स्टूडेंट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए जीरो, दिस पॉइंट इज माइनस ए जीरो स्टूडेंट्स, ओके। और पैराबोला इस मूल बिंदु को स्पर्श करते हुए कुछ इस तरह से जाता है, लाइक दैट, ठीक। हम इसको राइट हैंडेड पैराबोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मुंह सीधे हाथ की ओर खुला हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट हैंडेड पैराबोला। इसे देखिए ध्यान से, ये राइट हैंडेड पैराबोला, इस तरह से मुंह खुला हुआ है, इसलिए इसको राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं, और ये उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स। नाउ जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है स्टूडेंट्स, उस राइट हैंडेड पैराबोला में जो फोकस होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉमा जीरो, ठीक है ना, दिस इज फोकस। इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स उसका जो इक्वेशन होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है स्टूडेंट्स, नियता, इसकी जो समीकरण होती है वो होती है, अब जरा देखिए ये किस बिंदु से ऊपर जा रही है रेखा, माइनस ए जीरो से, तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा एक्स बराबर माइनस ए, यानी कि एक्स प्लस ए बराबर जीरो, ये किसका समीकरण है, इस नियता का समीकरण है, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए जीरो, डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो। जो वर्टेक्स होता है बच्चों, वर्टेक्स यानी कि जो शीर्ष होता है, हिंदी में वर्टेक्स को बोलते हैं शीर्ष, और ये नियता और ये फोकस है ना, तो जो शीर्ष होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स जीरो जीरो, है ना, ये मूल बिंदु से होकर जाता है क्योंकि ये जीरो जीरो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं, क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ एक्सेस यानी कि अक्ष का समीकरण, पर वाले की जो अक्ष होती है उसका समीकरण, तो वो देखिए वो ये है और ये x एक्सिस है, और x एक्सिस का जो समीकरण होता है या इक्वेशन होती है वो होती है y बराबर जीरो, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, दैट्स वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू जीरो होती है। एंड नाउ स्टूडेंट्स कुछ और नई डेफिनेशंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस से स्टूडेंट्स अगर हम लोग ऊपर और नीचे लंब डालें, क्या डालें, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो वो कुछ ऐसा जाएगा ये, ठीक। तो ये जो होता है इसे कहते हैं हम लोग नाभि लंब, क्या कहते हैं, नाभि लंब, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक है ना। और लेटस रेक्टम का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब का जो समीकरण होता है, अब क्योंकि ये जो नाभिलंब है ये नाभि यानी कि फोकस से होकर जाने वाली लाइन है, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a यानी कि x माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो, ये नाभिलंब का समीकरण होता है। और एक चीज कभी कभी और भी पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, यानी कि नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई इज इक्वल्स टू होती है बच्चों 4a, क्या होती है 4a, मतलब कि जो भी यहां पर a की वैल्यू होगी, जो भी यहां पर a की वैल्यू होगी उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, नाभिलंब की लंबाई मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, इन दोनों का जो योग होता है उसी को ही हम लोग नाभिलंब कहते हैं। और दिमाग में रखने के लिए हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि नाभिलंब की जो लंबाई होती है वो 4a के इक्वल होती है, उसके लिए बस आपको a पता होना चाहिए, मतलब कि फोकस कहां पर है, अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से नाभिलंब की लंबाई निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है वो क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होती है, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है, और इस राइट हैंडेड पैराबोला में
जो फोकस होता है वो ए जीरो होता है, और ध्यान दीजिएगा इस ए का रिलेशन कहां पर है, इस ए से है, ये यहां पर, ठीक है ना, इस ए से है। जो डायरेक्ट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, यानी नियता का समीकरण है। वर्टेक्स यानी कि इस परवलय का जो शीर्ष होता है, शीर्ष मतलब वो बिंदु जहां पर परवलय अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, आई रिपीट, जहां पर परवलय अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उसे है हम लोग शीर्ष कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि शीर्ष हमेशा मूल बिंदु पर हो, अगर ये परवलय थोड़ा इधर खिसका हुआ होता तो शीर्ष यहां भी हो सकता था, यहां कहीं भी हो सकता था, यहां भी, इट डिपेंड्स, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर परवलय उसकी अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक, तो वो शीर्ष हुआ। तो शीर्ष के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 इस परवलय के लिए केवल। उसके बाद होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यानी अक्ष का समीकरण, परवलय का एक अक्ष होता है वो, क्योंकि इस परवलय के लिए एक्स अक्ष ही इसका समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर या एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मतलब ये, दिस वन, लेटस रेक्टम मतलब फोकस से जो लंब डाला जाता है परवलय पर उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं, और उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल्स टू a। क्यों? क्योंकि रेखा का समीकरण है एक तरह से ये, और a बिंदु a,0 से जा रहा है, तो इस रेखा का समीकरण जो कि y अक्ष के समानांतर है उसका समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a। तो लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन आएगी वो x माइनस a बराबर जीरो आ जाएगी। और फिर एक चीज और आ जाती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी नाभिलम की जो लंबाई है वो 4a, यानी a में 4 का मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। एक चीज और छोटी सी यहां पर कभी कभी काम आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 and now 7 क्या आ जाती है यहां पर, कि एक और चीज आती है, इट्स अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हिंदी में बोलते हैं नाभिक दूरी। नाभिक दूरी क्या होती है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P, कहां पर, पैराबोला पर, x1 y1, और मान लीजिए कि आपको P यानी कि x1 y1 की डिस्टेंस निकालनी है कहां से, फोकस से। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा पैराबोला के लिए आप जानते हैं, वही डिस्टेंस P से लेके इस m तक का होगा। यस, ये पैराबोला की डेफिनेशन है कि इस फोकस, सॉरी ये गड़बड़ बोल दिया मैंने, ये यहां से नहीं, बेसिकली ये यहां सर होगा, है ना, क्योंकि फोकस से पी की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। किसकी? पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी की जो फोकल डिस्टेंस है वो होगी पी से एफ की दूरी, और क्योंकि पैराबोला के लिए पी से एफ की दूरी बराबर होती है पी की एम से दूरी, तो वास्तव में जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ एनी पॉइंट x1 y1 फ्रॉम फोकस इज इक्वल्स टू pm इज इक्वल्स टू pf, और ये किसके इक्वल होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब जरा ध्यान देना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, मतलब कि यहां से लेके ये y एक्सिस से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, x1, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, जरा देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, a है। तो ये और ये पूरी की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस a। बात समझ में आई, इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस a। तो अगर कोई भी बिंदु आपको दे दिया जाए x1 y1 और आपसे कहा जाए कि उसकी नाभिक दूरी निकालो, ठीक है ना, और परवलय आपको ये दिया हुआ हो, तो आपको x1 पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, और उससे रिलेटेड ये 7 फॉर्मूले हैं, इन्हें अपने दिमाग में रखिए तो आप आसानी से पैराबोला के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एंड नाउ अब हम लोग आते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि पैराबोला y² = 4y² = 8x के लिए क्या क्या निकालो,
वर्टेक्स निकालो नंबर एक, फोकस निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो, मतलब कि एक तरह से ये सातों की सातों चीजें, सॉरी ये छह की छह चीजें आपसे निकालने को वो कह रहा है, सातवां नहीं, सातवें के लिए तो पॉइंट चाहिए पैराबोला पे, तो वो नहीं, फोकस भी निकालो, डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का समीकरण भी निकालो, शीर्ष भी निकालो और अक्ष का समीकरण भी निकालो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी निकालो और साथ में नाभिलंब की लंबाई भी निकालो, इतनी चीजें वो आपसे निकालने को कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो समीकरण है क्या ये इसी के जैसा ही है, इसी के जैसा ही है मतलब उसमें कम से कम वाई स्क्वायर होना चाहिए, है ना, और दूसरी तरफ एक्स जरूर होना चाहिए, ठीक। तो अगर ऐसा है तो मतलब आप इससे तुलना कर सकते हो आप, ठीक। अब जरा ध्यान देना, अब आप ये सारी चीजें निकालोगे उसके लिए आपको पता है किसकी जरूरत पड़ेगी, ए, क्योंकि अगर ए है तो सब निकल आएगा और अगर ए नहीं है तो कुछ नहीं निकल पाएगा। तो आपका पहला उद्देश्य है ए निकालना। अब जरा जरा तुलना करो बच्चों, वाई स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों 4a, लेकिन यहां पर 4a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 4a की जगह पर 8। इसका क्या मतलब हुआ, कंपेयर विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपको दिखेगा बच्चों कि 4a की जगह पर लिखा हुआ है 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर कितना है, 2 है वास्तव में, मतलब अगर यहां पर a की जगह 2 लिख दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब a बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। तो अब इस परवलय के लिए ध्यान दीजिएगा, इस परवलय के लिए जो नाभि है, पहली चीज नाभि या फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फोकस हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a कॉमा जीरो, तो a कॉमा जीरो, a की वैल्यू है 2, तो मतलब फोकस कितना हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। नंबर टू, नियता का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के समीकरण क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से ध्यान दो, x = -a, तो x = -a और a की वैल्यू कितनी है 2, तो इट्स अ -2, यानी कि x + 2 = 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, नियता की समीकरण आ गई या इक्वेशन आ गई। नंबर 3 क्या, शीर्ष तो बहुत आसान है, या वर्टेक्स बच्चों, शीर्ष में तो क्योंकि ए का कोई योगदान है ही नहीं, वो तो 0,0 ही रहेगा हमेशा, तो इसको आप लिख दीजिए डायरेक्ट 0,0। फिर उसके बाद में क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस या अक्ष का जो समीकरण है उसमें भी ए का कोई योगदान नहीं है, तो अक्ष का जो समीकरण आएगा, अक्ष का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब आती है बच्चों बात किसकी, अब आती है बात लेटस रेक्टम की, यानी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हिंदी में बोलते हैं नाभि लंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो क्या था बच्चों, x इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू a बराबर 2 है, इट बिकम x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक चीज जरा ध्यान दो, जो भी नियता का समीकरण आएगा ना उसमें बस चिन्ह बदल जाए तो वो किसका समीकरण बन जाता है, नाभिलंब का समीकरण बन जाता है। तो दिस इज द सिमिलैरिटी, इसको क्लिक कर अपने दिमाग में याद रखिएगा, तो ये आपको मदद करेगा, कहीं पर भी क्लिक कर देगा, है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये बहुत ही काम की चीज होती है। तो ये हो गया बच्चों नियता का समीकरण, और अगर नाभिलंब का समीकरण, और अगर मैं आपसे पूछूं कि नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी, तो नाभिलंब की जो लंबाई है उसके लिए फॉर्मूला होता है 4a, और 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगी 8 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चों हमने इस फॉर्मूले की मदद से
इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की मदद से इन सारी चीजों को समझा और फिर एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन के लिए हमने नाभि निकाला, हमने शीर्ष निकाला, हमने नियता का समीकरण निकाला, हमने नाभिलंब का समीकरण निकाला, हमने अक्ष का समीकरण निकाला और हमने नाभिलंब की लंबाई भी निकाली। तो अब आप आसानी से इस y square is equals to 4ax से किसी भी पैराबोला को कंपेयर करके ये सारी चीजें आसानी से निकाल सकेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।